हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर 8, ट्राइबल सोसाइटी इन द मेडिवल पीरियड। यानी ट्राइबल किसको कहते हैं हम लोग? ट्राइबल कहते हैं हम, वैसे अगर इसका आप वर्ड सर्च करेंगे देन इट्स मींस ट्राइबल का मतलब होता है आदिवासी। बट इसको हम जाति भी, जाति संबंधित कहते हैं कि जातियों से संबंधित सोसाइटी इन द मेडिवल पीरियड मींस मध्यकालीन युग में। चलिए बेटा, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले हम देखेंगे दैट कि हमारे एंशियंट टाइम में, दैट द इन द एंशियंट टाइम द हिंदी सोसाइटी इन द मेडिवल पीरियड वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास। जो हमारी जो हिंदू सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी कितने? 4 वर्णास में। 4 वर्ण कौन से थे? वो थे हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रास। इनमें ये विभाजित थे, डिवाइडेड थे। दिस गेव राइज टू द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो। इस चीज़ ने, यानी जो 4 वर्ण बांट दिए गए थे, जिसके वजह से क्या हो गया कि लोगों के अंदर ये भावना जागी ऊंच और नीच की, हाई एंड लो की, एंड बिटवीन द पुअर एंड द रिच, जो कि अमीरी और गरीबी की भावना भी इसी दौरान जग गई थी सब में। दीज डिफरेंसेस ग्रो इन टू कास्ट सिस्टम। इस तरह का डिफरेंस के वजह से लोगों के अंदर कास्ट की भावना जागृत होगी, मतलब कास्ट का उनके दिमाग में आ गया कि कास्ट सिस्टम होता है। द सोसाइटी बिकम कॉम्प्लेक्स बिकॉज द 4 वर्णास फर्दर गॉट सब डिवाइडेड इन टू जाट्स और सब कास्ट। अब जो सोसाइटी जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस बात पर हो गई? कि दैट जो 4 वर्ण थे वो आगे चल के सब डिवाइड हो गए इनटू जात और सब कास्ट पर। जाति, आप समझते हैं ना जात पात का, कि किसकी क्या जाति है, हिंदू है, मुस्लिम है ना, फिर कास्ट होते हैं, सब कास्ट होते हैं। दैट वाज देयर पीपल फॉलोइंग ए पर्टिकुलर प्रोफेशन फॉर्म देयर ओन कास्ट और जात। अब पीपल ने जो है ना, उन्होंने अपना जो प्रोफेशन भी इसी हिसाब से शुरू कर दिया कि जिससे कि फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, वीवर एक्सेट्रा फॉर्म देयर डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स और जातीज। अब इस तरह के जो लोग थे उन्होंने अपने सब ग्रुप्स बना लिए या अपने अलग जाति प्रथा, जाति सिस्टम अलग अपना अपने आप को कर लिया। व्हेन पीपल ऑफ पर्टिकुलर वर्ना माइग्रेटेड टू सम अदर प्लेस एंड स्टार्टेड लिविंग देयर फॉर जनरेशंस। अब इससे क्या है कि जो दूसरे वर्ण के लोग थे उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने अपने आप को एक जगह से दूसरे जगह पर ले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना, मतलब अलग से एक अपने जनरेशन में रहना शुरू कर दिया। दस मोबिलिटी ऑफ द पीपल एंड स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ जातीज। इससे क्या हुआ, मोबिलिटी ऑफ पीपल्स, मतलब लोगों का यहाँ से वहाँ आने जाने की वजह से और दूसरे जगह सेटल हो जाने की वजह से स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ जातीज। खास तौर टाइप के जो ऑक्यूपेशंस थे, जो व्यापार थे, वो फॉर्म हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ दीज जातीज। ग्रेजुअली पीपल केम टू बी आइडेंटिफाइड बाय देयर जातीज। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग जो है जाति के थ्रू ही लोग जाने जाने लगे। पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर जाति फॉर्म्ड देयर ओन क्लोज नेट ग्रुप। अब क्या है कि जो पर्टिकुलर जाति के थे वो अपने पर्टिकुलर उस जाति के थे, उन्होंने अपना एक कम्युनिटी टाइप से बना लिया, एक जैसे कि ग्रुप बना लिया उन्होंने अपने ही जातियों का, जिससे कि लोग क्या है अपने जाति में ही वो सारे काम करने लगे। जो भी कुछ काम अगर वो आगे करते थे, दे यूज टू डिस्कस इन विद इन विद इन देयर जातीज ओनली। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्राइबल सोसाइटी। इन ट्राइबल सोसाइटी, सिंस इन ट्राइबल सोसाइटी विल टेक सिंस द एंशियंट टाइम्स द ट्राइब्स हैव फॉर्म्ड ए डिस्टिंक्ट ग्रुप इन इंडियन सोसाइटी। अब ट्राइबल सोसाइटी के अंदर क्या हुआ, एंशियंट टाइम्स से द ट्राइब्स हैव फॉर्म्ड अ डिस्टिंक्ट ग्रुप। जो ट्राइब्स थे उन्होंने अपना अलग अलग एक ग्रुप बना लिया।
in Indian society, the tribes lived in clans led by the tribal chiefs. अब क्या है जो ट्राइब्स थे वो अपने क्लैंस में रहते थे. क्लैंस कहते हैं बेटा, इसका मतलब होता है कुल. जैसे लोग कहते हैं हम अपने अलग कुल के, हम इस कुल के हैं या कुछ इस तरह से. लेड बाय द ट्राइबल चीफ्स, और जो कि किसने बनाए थे, दैट वाज डन बाय द चीफ्स, जो कि वहाँ के जो ट्राइबल जो जातियाँ होती थी उनका जो प्रमुख नेता होता था उसको वो लोग वो ट्राइबल चीफ कहलाता था. ईच ट्राइब हैड इट्स ओन लॉज, रूल्स एंड ट्रेडिशंस, एंड दे सर्वाइव्ड बाय हंटिंग. और हर एक जो ट्राइब था उसका अपने रूल्स रेगुलेशंस होते थे, उनके अपने लॉज होते थे यानी कानून होते थे, एंड ट्रेडिशंस होते थे, परंपराएं, एंड दे सर्वाइव्ड बाय हंटिंग. और वो कैसे जीवित रहते थे, दे डू इट सर्वाइव बाय हंटिंग, मतलब हंटिंग वगैरह करके, फूड गैदरिंग एंड बाय डूइंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन. और उसके बाद फूड गैदरिंग करना, यहाँ वहाँ से मतलब लेकर आना, या फिर इस तरह से इकट्ठा करके वो लोग अपना खान पीने का काम चलाते थे बाय डूइंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन. और उसके बाद शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी करते थे. शिफ्टिंग कल्टिवेशन आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है. शिफ्टिंग मतलब ये वर्ड से समझ आ रहा है कि कल्टिवेशन, या यानी कि जो किसान एक जगह से दूसरी जगह, मतलब पैचेस पे जो वर्क किया करते थे. देखिए एक साल में इस जगह पे उन्होंने अपना फसल उगाई, फिर जब वो पैच पे जब काम हो जाता था, फसल में काम हो जाता था, फिर नेक्स्ट एक और दूसरे खेत पे फिर वो लोग काम करते थे या फसल उगाते थे इसके अंदर. दस अनलाइक द हिंदू सोसाइटी, ट्राइब्स हैड नो कास्ट सिस्टम. अब जो हिंदू सोसाइटी के हिसाब से ट्राइब्स के जो हैं, they are not having any caste system. There was socio-economic equality in a tribal community. Socio-economic equality थी, equality थी किसमें, tribal communities में. A tribal group owned land, cattle and other movable properties collectively. और जो tribal का जो community थी या जो group हुआ करता था वो अपनी ही ज़मीन को रखा करते थे और अपने cattles को वो लोग पाला करते थे घर पर, and अपना ही जैसे दूध का काम है या उनका ज़मीन पे फसल वगैरह उगाने का काम है, खेती बाड़ी है, जो भी कुछ है वो सब वो अपने उस पर ही किया करते थे, अपने ही ग्रुप के साथ में मिलकर. दस ट्राइबल कम्युनिटीज वर बेस्ड ऑन शेयरिंग एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस. इससे क्या हुआ कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी वर बेस्ड ऑन शेयरिंग एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस, जो कि शेयरिंग और म्यूचुअल डिपेंडेंस पे निर्भर करती थी. अब आगे देखिए, इधर आ रहा है आपको और समझाने के लिए अच्छे से, दैट इज़ इंटरेक्शन बिटवीन द ट्राइबल ग्रुप्स एंड इंडियन सोसाइटी. अब जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो और प्लस इंडियन सोसाइटी के बीच में उनका संबंध, मतलब उनका किस तरह से संपर्क होता था. इन द मेडिवल पीरियड यानी मध्यकालीन युग में, मैनी ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स वर एब्जॉर्ब्ड इन टू द रेस्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी. अब जो हमारे बहुत सारे जो ट्राइबल जो जातियाँ थी, ग्रुप्स थे, वर एब्जॉर्ब्ड इन टू द रेस्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी. वो बाकी की जो इंडियन सोसाइटी थी उसमें एब्जॉर्ब हो गई, मतलब वो उसमें जाके घुल मिल गई, वहाँ जाके रहने लगी, अपना काम वाम करने लगी और अपना आराम से सर्वाइव करने लगे. एज द मेडिवल किंगडम एक्सपेंडेड, दे टुक ओवर द टेरिटरीज ऑफ मैनी ट्राइब्स. एज जैसे ही मेडिवल किंगडम जो था उन्होंने जब एक्सपेंड किया अपने राज को, दे टुक ओवर द टेरिटरीज ऑफ मैनी ट्राइब्स. उन्होंने बहुत सारे ट्राइब्स थे उनकी टेरिटरीज लेनी थी. द ट्राइबल चीफ्स वर जनरली गिवन स्टेटस ऑफ क्षत्रियाज. और जो ट्राइबल के जो चीफ्स हुआ करते थे, जो प्रमुख नेता वहाँ पे हुआ करते थे, प्रमुख हुआ करते थे, देवर वो कौन होते थे, वो होते थे क्षत्रिय. वाइल द ऑर्डनरी ट्राइबल्स वर गिवन द स्टेटस ऑफ शूद्रास. और जो ऑर्डनरी ट्राइबल्स थे, जो ऑर्डनरी जाति थी उस टाइम पे, उनको बना दिया गया वहाँ पे उस टाइम शूद्रास. शूद्रास कौन थे, मैंने आपको बताया था शायद, शूद्रास वो हैं जो इसका काम करते हैं, जैसे झाड़ू पोछे का काम करना या साफ सफाई का काम करना, ये काम करते हैं कौन, शूद्रास. अब बेटा मैं आपको पहले ये चीज़ बता दूँ,
कि हमने स्टार्टिंग में ही चार वर्णों का बारे में मैंने बताया था, तो वो चार वर्ण थे, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय बोला था आपको, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्याज हैं एंड शूद्रज। अभी इसके अंदर बात शूद्रज के, दैट्स व्हाई आई रिमेंबर दैट कि मैंने आपको बताया। तो ब्राह्मण जो है क्या काम करते थे, ब्राह्मण जो ये चार भागों में बांटा था, उसके पीछे रीज़न ये था कि ब्राह्मण जो है सिर्फ पूजा पाठ का काम उस टाइम पे देखा करते थे, क्षत्रियास काम क्या करते थे, वो युद्ध लड़ा करते थे, ठीक है, और वैश्यास क्या करते थे, वैश्यास जैसे ये जो मारवाड़ी की दुकान है, यानी कि जो बेचने का मतलब दुकानों का काम जो है वो देखते थे कौन, वैश्यास। और शूद्रास का काम होता था कि वो झाड़ू पोछा या साफ सफाई का काम करें, वो इस तरह का काम किया करते थे। तो दीज फोर थिंग्स वॉज एट दैट टाइम वॉज डिवाइडेड, ठीक है, जो वर्ण जो हम कहते हैं वो था इसमें। चलिए क्या मैंने आपको बता दिया इसके बारे में।